बिहार दिवस जो बिहार को बनाए हैं, नया निर्माण किए हैं, उस समय सोचे थे कुछ और। माने जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, ये तो बुढ़ा गए हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको चाहिए कि इस्तीफा दे दें। इसलिए कि हर जगह क्राइम, जाइए सोहदरा में क्राइम, हर जगह पेपर में न्यूज में आता है बिहार में हर जगह क्राइम होते। यही मधुमक्खी एक आदमी की काटती है, मधुमक्खी एक आदमी की नहीं काटती है। जब मधुमक्खी उठती है तो पूरा बल्थर चौक को बर्बाद कर देगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बर्बाद कर देगी। इसलिए वो चीन कर व्यक्तिगत नहीं काटती है, इसलिए पुलिस छिपाना चाहती है। तो क्या चाहते हैं आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महोदय से, माननीय सतीश दुबे जी से, माननीय संजय जायसवाल जी से, जो नेता है यहाँ के केंद्र से, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, केंद्र से सीबीआई का जांच कराने के लिए अनुमति कराएं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। आप देख रहे हैं जामिया वाले, और जामिया वाले इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण सगरौवा गांव में। इसी बीच हमारे साथ हैं सुरेंद्र भगत जी की, जो आज इस तरह से बिहार दिवस है, 22 मार्च है, और आज ही के दिन बिहार जो बना था, ओवरऑल इनसे जानते हैं कि बिहार दिवस है, क्या कहना चाहते हैं बिहार में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और ख़ासतौर पर बल्थर जो कांड हुआ है, पुलिस अलग थ्योरी दे रही है, जनता अलग बातें कर रही है, ओवरऑल बिहार दिवस के लेकर और जो कांड हुआ है बल्थर पर, वो क्या कहना चाहते हैं? बिहार दिवस जो बिहार को बनाए हैं, नया निर्माण किए हैं, उस समय सोचे थे कुछ और। माने जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, ये तो बुढ़ा गए हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको चाहिए कि इस्तीफा दे दें। इसलिए कि हर जगह क्राइम, जाइए सोहदरा में क्राइम, हर जगह पेपर में न्यूज में आता है बिहार में हर जगह क्राइम होते। यही बल्थर में देखिए, बल्थर में वैसा सुंदर लड़का था अनुरुद्ध जादव, उसको क्या कारण है? मैंने इतना क्रिमिनल है कि कोई हत्या नहीं करता है, या ऐसा जो जीप चलाता था थाना का, वो हेल्प पुलिस को करता था, क्या कारण है कि उसको लोग एथी कर दिए? हाँ, जो जिसके पास 6-8 वो लड़का लड़की है, लड़की का शादी है, कोई नेता आता है तो नेतागिरी करते हैं, उस शादी की लड़की के शादी के विषय में नहीं सोचते हैं। मेन चीज़ है उस लड़की को पहले उसको आर्थिक दिया जाए कि कम से कम उस लड़की को शादी हो। अच्छा, एक और है, पुलिस जो थ्योरी दे रही है, कह रही है कि मतलब कि मधुमक्खी यानी मोध के काटने से मरी है, आज आप मतलब पुलिस कह रही है, पब्लिक कह रही है कि नहीं पुलिस ने पीटा है, मारा है, तो ओवरऑल पुलिस और पब्लिक के थ्योरी के बारे में जो कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग टीवी न्यूज पर देखे हैं, चाहे मोबाइल पर देखे हैं, उसके सर में खुद गड्ढा था, अपने नज़र से टीवी में या मोबाइल में हम लोग देखे हैं, गड्ढा था। मधुमक्खी एक आदमी की काटती है, मधुमक्खी एक आदमी की नहीं काटती है। जब मधुमक्खी उठती है तो पूरा बल्थर चौक को बर्बाद कर देगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बर्बाद कर देगी। इसलिए वो चीन कर व्यक्तिगत नहीं काटती है, इसलिए पुलिस छिपाना चाहती है। तो क्या चाहते हैं आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज मतलब कि आज बिहार दिवस है और बिहार में ये सब कांड हुआ है, तो बिहार एक एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या सीबीआई भी जांच आप चाहते हैं? देखिए, हम माननीय संसद महोदय से, माननीय सतीश दुबे जी से, माननीय संजय जायसवाल जी से, जो नेता है यहाँ के केंद्र से, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, केंद्र से सीबीआई का जांच कराने के लिए अनुमति कराएं। इसलिए कई साधारण बात नहीं है, किसी की जान ले लेना इस साधारण बात की बात नहीं है। क्या गरीब का बेटा है तो उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? न्याय जरूर मिलना चाहिए, जो कोई गलती किया है उसको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आ रहा है कि बताया जा रहा है कि इसमें खासा इन्वॉल्वमेंट है, विकास कोई नाम का है, वो इसमें मतलब कि इसके पीछे जो अनिरुद्ध के पीछे लगा हुआ, तो लोग बता रहे हैं, ओवरऑल ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि थाना आजकल दलालों के हाथ में है। जितना थाना है बिहार का, लगभग अंदाजे बिना दलाल के चलती नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराब बंद कर देंगे, अरे थाना का दलाल को पर ठीक कीजिए, थाना को दलाल खत्म हो जाएगा तो क्राइम बंद हो जाएगा, मेन चीज है, और थाना में दलाल रहेगा तो क्राइम बंद नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि आप खुद हमारे वीडियो में देखे हैं कि पुलिस से कल ही बल्थर थाना एक तरह से घूस लेते हुए ले रही थी, उसके बाद से सोहदरा थाना का जो छोटा बाबू है सीके तिवारी, वो भी पब्लिक के साथ गाली गलौज कर रही थी। ओवरऑल पुलिस एक तरह से सुधरने का नाम ले रही है, तो कैसे सुधारा जाए पुलिस को?
अब पुलिस के जैसे देखिए, हम साधारण बात कहते हैं, बगल में हम लोग पड़ोसी हैं उत्तर प्रदेश के, वो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने अपना खुद मोबाइल नंबर दिए हैं, जनता से जुड़े हैं। कोई नेता जैसे मोदी जी जनता से जुड़े हैं तो क्राइम बंद है। अगर नीतीश कुमार जनता से नहीं जुड़ेंगे, चाहे डीजीपी यहाँ के जनता से नहीं जुड़ेंगे, तो ले क्राइम बंद नहीं होगी। और जनता को से जोड़कर जनता के बात अगर नहीं मानेंगे तो ले क्राइम बंद नहीं होगी। जब लेकिन जनता से जैसे ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश के योगी से जुड़े हैं, जनता फोन करती है तुरंत एक्शन में आते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी जनता से मुख्यमंत्री चाहे डीजीपी। लेकिन व्यवहार जो पुलिस का है पब्लिक के साथ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे व्यवहार तो यहाँ पर है कि देखिए, यहाँ पर मोटरसाइकिल चेकिंग होती है तो नियमानुसार जिस मोटरसाइकिल पर अगर फैमिली हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कोई चोर है कोई तस्कर नहीं है, इसलिए कि फैमिली जा लेकर जा रहा है कहीं दवाई कराने के लिए चाहे कुछ करने के लिए, उसको जांच नहीं। देखिए मर्जदवा जी नहर के पुल की बात है, ये फैमिली वाला एक तो हम लोगों के सामने एक्सीडेंट हो जाता, उसका उसका परिवार मर जाता डर के मारे। तो देखिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जितना माने मोटरसाइकिल चेकिंग में है उतना अगर क्राइम पर कंट्रोल करे सरकार। अच्छा, एक और चीज़ है, दारू पर मतलब कि शराब पर लेकर आपका खासा नज़र रहता है, शराबबंदी के लेकर क्या ये पुलिस जो है प्रशासन, क्या दारू का जो बंद है उसको सफल पूर्वक पालन करवा पा रही है? देखिए तत्काल में हम लोगों का होली पड़ा था, कौन गाँव है कि उसमें दारू लोग नहीं पिया था? प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ से आ रहा है? नेपाल का बॉर्डर है, पूरा एक थाना है, तो फिर दारू कहाँ से आ रहा है कि लोग पी रहा है? देखिए प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या होता है कि सिविल ड्रेस, प्रशासन अगर ईमानदारी से सिविल ड्रेस पर जाए तबे दारू बंद होगी, तले जनता से नहीं जोड़ेंगे तले दारू बंद नहीं होगी। आखिर में क्या चाहते हैं आप उस? देखिए आखिर में क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार सरकार में क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है ना तो थाना फरवारी ओपन कर देते हैं, इसलिए कोई बिहार में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, गुप्त सूचना नहीं दे रहा है, इसलिए कि यहाँ का पुलिस पदाधिकारी जो कराता है उसको तुरंत डायरेक्ट ओपनली कर देते हैं कि ये मैसेज भेज रहा है, यही मैसेज भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चीज नहीं, क्राइम बंद होगा नहीं, दारू बंद होगा नहीं, कुछ नहीं, तले जनता से कोई नहीं जुड़ेगा तले कुछ नहीं बंद होगा। आखिर में आज बिहार वर्ष है, एज बिहारी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे बिहारवासी लोगों के लिए? कि बिहारवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो क्षणिक तुरंत इस्तीफा देकर उस संन्यास ले लें। तो ये देखिए एक तरह से हमारे साथ हैं सुरेंद्र भगत, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक तरह से सीनियर सिटीजन हैं, काफ़ी पैनी निगाहें रखते हैं समाज में जो घटनाएं घट रही है, और काफ़ी एक तरह से गमजदा हैं, जिस तरह से जो बल्तर में जो कांड हुआ उसके बाद से काफ़ी एक तरह से दुखी हैं, क्योंकि वे पर्सनली तौर पर एक तरह से अनुरोध यादव को भी ये जानते हैं किस तरह का वो लड़का था। तो ये नज़ारा आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। तो आज खुशी तौर पर हाँ बोलिए, हाँ जैसे आता है बल्थर में लोग, नेता लोग आते हैं तो नेतागिरी छोड़ दें, बैंकिंग वोट के छोड़ दें, ईमानदारी से उसको जांच करावे सीबीआई से। अगर बिहार के नेता में ईमानदारी है तो नेतागिरी छोड़कर उस बच्चा को न्याय दिलाने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री के लगे जाएं, वहाँ पर अनशन करें कि सीबीआई से जांच किया जाए और उसका हकीकत निकाला जाए। नहीं तो नेतागिरी करना है तो दूसरी बात है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र भगत, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं, काफ़ी पैनी निगाहें रखते हैं समाज में जो घटनाएं घट रही है, और आज बिहार दिवस है, 22 मार्च है, और इसी मौजू पर बात किया कि बिहार दिवस है। आप क्या कहना चाहेंगे जो बिहार के जो मौजूदा हालात है, कानून व्यवस्था, उन्हें मुखर तौर पर एक तरह से अपनी बातों को रखा कि क्या हालात है? बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण सगरौहवा गाँव से।